नमस्कार दोस्तों, आज फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बॉयज विद नेचर पे। तो दोस्तों आज यहाँ पे देखिए हमारे पीछे है मंदिर है और काफ़ी पुराना मंदिर है, लगभग 1000 साल पुराना मंदिर है। और दोस्तों आज हम आपको यहाँ पे कुछ दिखाने वाले हैं। चले सबसे पहले तो आपको मंदिर दिखा देते हैं, उसके बाद में बाकी कुछ दिखाएंगे। तो दोस्तों मंदिर से पहले हम दिखा देते हैं पीपल का पेड़ जो हमारे पीछे है, काफ़ी पुराना है, लगभग 400 साल पुराना पीपल का पेड़ है। और देखिए इसकी शाखाएँ देखिए काफ़ी दूर दूर तक फैली हुई है, देखिए इधर से इधर तक। तो चलिए अब हम अब मंदिर में जाएंगे और देखेंगे कि अंदर क्या है। तो कैलाश पकड़ो। यहाँ पे एक नंदी है और यहाँ गणेश जी की मूर्ति है, देखिए यहाँ पे किसी ने अपनी शादी का निमंत्रण दिया है उन्हें, और इसे वापस कोई निकालता भी नहीं तो इस तरह से कचरा हो जाता है मंदिर में। यहाँ पे नंदी देखिए, और दोस्तों देखिए ऊपर काफी अच्छा है, मतलब जो घुमट घुमट घुमट। और दोस्तों देखिए ये दिया काफी बड़ा है, तो चलिए देखते हैं इसे इसके अंदर। पिछले बार भी देखा था और ये थोड़ा सा टूट गया, देखिए। चलो अंदर चलते हैं। अब अंदर कुछ गड़बड़ कर दी, बस। तो दोस्तों यहाँ पर अंदर कोई एक मूर्ति है, पता नहीं वो शिव जी की या किसकी है, काफी पुरानी मूर्ति है। और ये शिवलिंग है, काफी बड़ा शिवलिंग है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे ऊपर भी डिजाइन काफी है और पत्थर देखे बहुत ही पुराने हैं। और यहाँ पे देखिए नीचे, इसके नीचे जो कि एक बारो यानी कुएं जैसा छोटा सा था, जो कि अब भर चुका है। और यहाँ पे देखिए सीमेंट से बहुत गहरा था नीचे बोल, लेकिन 1000 साल में लोगों ने पत्थर डाल के उसे भर दिया है। तो वो इंसानों की आदत होती है कि वो देखना चाहते हैं, जिज्ञासा एक होती है कि कितना अंदर पानी या नहीं, तो इसीलिए तो यहाँ पे अभी पैक कर दिया हुआ है। चलो चलो अब पीछे जा, बाहर से दिखाएंगे मंदिर को आपको। चल चलो यहाँ पे देखो एक ही दोस्तों, देखिए मंदिर की जब हम प्रदक्षिणा लगा रहे थे, मतलब मंदिर का चक्कर लगा रहे थे, तो यहाँ पर एपिस सेरेना इंडिका का छत्ता है दोस्तों यहाँ पे मंदिर। मंदिर में काफी पुराना मंदिर है, एक ही नहीं बहुत सारे छत्ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक है और इधर भी देखिए, इधर भी काफी बड़ा है। या ऊपर जाके देखोगे क्या, यहाँ पर देखो ये बोर्ड, थोड़ा ऊपर चढ़ो ना, जैसे चढ़ कर दिखा, काफी ज्यादा मक्खियाँ है बोर्ड जोर से। वो दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ, मतलब अंदर थोड़ी सी जगह होगी तो उस जगह में इन मक्खियों ने छत्ता बना लिया है। और दोस्तों काफी ज्यादा सेफ है मधुमक्खियों के लिए। और दोस्तों देखिए काफी बड़ा, मतलब अब तक इतना बड़ा छत्ता कहीं पे नहीं होगा, इतना बड़ा छत्ता होगा ये, क्योंकि काफ़ी पुराना छत्ता होगा और अंदर काफ़ी जगह भी होगी, तो काफ़ी बड़ा, मतलब उन्होंने अपना ब्रूड को बनाया होगा। और शहद भी, कॉलोनी भी होगी, कॉलोनी काफ़ी बड़ी होगी और डिवाइड भी होती होगी, तो वो यही पे मतलब वो ऊपर भी देखो, ऊपर तक ऊपर एक है, उधर एक है, तीन छत्ते तो है, वहाँ पे अंदर भी जाते हैं, लेकिन क्या पता। तो दोस्तों इधर आइए, अंदर
देखिए ये देखिए ये देखिए बाहर आ रही है, ये देखिए ये दिखा दो इसे, टॉर्च टॉर्च देखिए अंदर तक हम देखेंगे, नहीं अंदर तक तो नहीं दिख रहा, और ज़्यादा परेशान मत करो, है काट भी सकती है। तो दोस्तों इसे निकालना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि हम भी नहीं निकालेंगे, ऐसा कभी नहीं करते हम किसी जगह को उखाड़ना या फिर नष्ट करना। और दोस्तों काफ़ी पुराना मंदिर है, हज़ारों साल पुराना मंदिर है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा मधुमक्खियों के छत्ते हैं, तो मधुमक्खियों के लिए भी एक ऐसी जगह बन चुकी है जो कि वो सेफ रह सके। अगर किसी पेड़ में होता तो अब तक इंसान उसे निकाल लिया होता, लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल भी सेफ है। और मंदिर का लोकेशन बता देता हूँ आपको, तो यह मंदिर है महाराष्ट्र के नासिक जिले के कलवन तालुके में, कलवन तहसील के अंदर देवली कलाड गाँव है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऊपर कुछ लोगों ने इतिहास को अपने हाथों से लिख दिया है, ऐसा रचा है, तो अपना नाम उस पर लिख दिया है, तो ये सब कुछ गलत है दोस्तों, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इतिहास लिखना हो तो वो दूसरों ने लिखना चाहिए, खुद ही नहीं लिखना चाहिए, जैसे कि हमारे महापुरुषों का इतिहास दूसरे लिखते हैं, उन्होंने खुद ही नहीं लिखा कि मैंने ऐसा किया वैसा किया, तो ये बिल्कुल भी गलत है। तो ये किसी भरत नाम के व्यक्ति ने किया है। जूम करो जूम करो, उस भरत को बहुत गालियाँ दो आप, कमेंट में गालियाँ दो उस भरत को। या फिर किसी ने यम यम लिखा हुआ है, ये यम फॉर मुन्ना होगा या फिर मनोज होगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी गलत है। और दोस्तों ये काफ़ी मजबूती से लिखा है, मतलब चूने से लिखा है, बारिश भी आ जाएगी तो ये मिटेगा नहीं, इस तरह से लिखा है, उनकी प्रेम कहानी मिटनी नहीं चाहिए, इसलिए तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी ये गलत है, बहुत ही गलत है। कैलाश जी आप क्या कहेंगे इसके ऊपर, ये गलत है या सही है? ये गलत है, ये अपना वो पुरातन काल का है, ये अभी अपनी भावी पीढ़ी हो। कोई वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।